अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, परेशानियों से दूर रहें। आज हम आलू चावल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने मीडियम साइज दो प्याज ले लिए हैं और उसको मैंने हाफ कप ऑयल में सौते कर रही हूँ। थोड़ा कलर चेंज करूंगी फिर चीजें और डालती हूँ। स्टार्ट ले लिया है, कलर चेंज हो गया है। हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। इसके साथ हल्दी हाफ टी स्पून, ये चार मीडियम साइज आलू हैं जिनको छील के मैंने इस तरह के पीसेस में किया है। हाफ टी स्पून हल्दी, अभी मैं आलू के हिसाब से सॉल्ट टू टेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं पानी जब डालूंगी चावल का तो उसके हिसाब से टेस्ट करके डालूंगी, ताकि थोड़ा सा पानी में तेज होता है हल्का सा तो चावल में बहुत अच्छा बैठता है। इसके साथ ही मैं चावल भी ऐड कर दूंगी। फ्राइडे है, सब नमाज के लिए गए हुए हैं, आते ही होंगे तो उसके मुताबिक जल्दी जल्दी आलू चावल रेडी हो रहे हैं। इसको हल्का सा भूनती हूँ और फिर नाप का पानी डालती हूँ और फिर हम इसमें मजीद एक हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे, कलर भी देती है और टेस्ट भी देती है। और एक टमाटर छील के और बारीक काट के, एक मीडियम साइज टमाटर। ये अच्छा सा भुनता रहे साथ साथ, फिर इसमें चॉप्ड लहसुन ऐड करती हूँ। लहसुन का टेस्ट हमेशा पुलाव की तरह इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये एक टेबलस्पून डालूंगी मैं और हीप, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। चॉप्ड करके रखती हूँ तो वो बहुत आसानी रहती है। अब इसके साथ थोड़ा सा भूनूंगी। एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर मैं इसमें नाप का पानी और गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड करूंगी। ये भुन गया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं
पानी ऐड करती हूँ। ढाई कप मैंने यही वाले चावल के लिए थे, तो ढाई को डबल करें तो पांच बनते हैं। मैं एक हो चुका, दो, तीन और साढ़े तीन कर देती हूँ, क्योंकि अब वाले पान चावल जो इतना पानी नहीं लेते। और इसकी आंच जो है वो मैं मीडियम लो फ्लेम रखूंगी, हाई नहीं करूंगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसमें नमक टू टेस्ट जाएगा। पानी में थोड़ा सा तेज होना चाहिए। टेस्ट कर लेते हैं पानी को, फिर और ऐड करूंगी। हल्का सा पानी में तेज लग रहा हो तो वो चावल में बिल्कुल सही बैठता है। थोड़ा और जाएगा। हल्का सा तेज हो गया और ये चावल में बिल्कुल सही बैठेगा। आंच मैंने मीडियम लो कर दी है ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से गल जाए। अब हम इसको थोड़ी देर में ही चेक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में मैं देखती रहूंगी, जब चावल ऊपर आ जाएंगे ना फिर इसको अच्छा सा एक चम्मच हला के फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर देना, बिल्कुल लो फ्लेम। चावल ऑलमोस्ट रेडी। चावल बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये आलू भी बिल्कुल टेंडर हो गया, बिल्कुल रेडी है। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।